दोस्तों, आपने इन उड़ने वाले सांपों के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सांप उड़ते कैसे हैं? चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। तो धरती पर केवल सांपों की साथ ही प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हवा में ग्लाइड कर सकती हैं और ये वाली प्रजातियां जहरीली नहीं होती। इन प्रजातियों के पास पंख तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ग्लाइड कर सकते हैं। ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं और इनकी ये छलांग इतनी लंबी होती है कि ये लगभग 25 से 30 मीटर की छलांग होती है। और जब ये छलांग लगाते हैं तो ये अपने शरीर को कुछ एस टाइप कर लेते हैं, जिसको एंडोलेशन कहा जाता है, जिस कारण इन सांपों को ग्लाइडिंग स्नेक या फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है।